और अब आपको उस सत्ता का पत्ता की जानकारी देते हैं जो झांसी नगर सीट पर लंबे अरसे से किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करते आए हैं। और झांसी नगर सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो ब्राह्मण वोटर जिनका इस सीट पर बड़ा प्रभाव है, लंबे अरसे से देखने को ये प्रभाव मिल रहा है। वहीं एक बार फिर से आपको ये बताएंगे कि किस तरह से बुंदेलखंड की ये जो सियासत है क्या कहती है। बुंदेलखंड के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार महेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, झांसी नगर विधानसभा सीट का सत्ता का पत्ता तो ब्राह्मण वोटर ही दिख रहे हैं, लेकिन वो दूसरे कौन से फैक्टर हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में सीट पर अपना असर डाल सकते हैं? जी सर, जी जी, यहाँ पर खास तौर पर जो असर की बात जानी जा रही है तो निश्चित रूप से बेरोजगारी और जो आप अभी बता रहे थे कि महंगाई का है और बेरोजगारी है, यहाँ से ये बड़ी समस्याएं यहाँ पर बनी हुई है। पूरे बुंदेलखंड का ये हृदय स्थल कहा जाता है झांसी को, वीरांगना भूमि झांसी खासतौर पर यहाँ की अघोषित रूप से राजधानी मानी जाती है, जैसा कि बुंदेलखंड कहा जाता है। और बुंदेलखंड की सारी 19 विधानसभाओं का जो गणित है वो झांसी से होकर गुजरता है ऐसा माना जाता है, क्योंकि झांसी उसका हृदय स्थल है और झांसी के साथ जनपद में जो 19 विधानसभा सीट है उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ की जो राजनीति तय होती है वो निश्चित रूप से, अभी आप बता रहे थे कि जो ब्राह्मण वोट के थ्रू भी होती है, तो ब्राह्मण वोट ही यहाँ की राजनीति को तय करता है। हालांकि यहाँ पे ब्राह्मण के साथ साथ SC ST का भी खासा प्रभाव है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं से जुड़े होते हैं और ब्राह्मण वोट के नेतृत्व में ही सारे वोट को देखा जाता है, अक्सर ऐसा होता रहा अभी तक। खासतौर पर एक चीज और देखने को मिलती है कि दो बार जो अभी विधानसभा पर काबिज रह चुके हैं रवि शर्मा जी, आने वाले चुनाव। वहीं अब बारी है उस सत्ता का पत्ता की जो कि गाजियाबाद की मोदी नगर सीट पर किसी उम्मीदवार की जीत और हार तय करता आया है। और मोदी नगर सीट का ये सत्ता का पत्ता है वो OBC और जाट वोटर जिनकी तादाद इस सीट पर सबसे ज्यादा है। और चलिए आप फिर से रुख करते हैं अपने पश्चिमी यूपी के जानकार और वरिष्ठ पत्रकार रवि अरोड़ा जी का। सर, मोदी नगर सीट का सत्ता का पत्ता तो ओबीसी और जाट वोटर ही दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है आपको कि इस सीट पर इस बार ये वोटर किस ओर मुड़ते दिख रहे हैं? देखिए, ये तो अभी नहीं कहा जा सकता कि वोटर किस ओर मुड़ेंगे, लेकिन ये साफ दिखाई दे रहा है कि भाजपा यहाँ पर योगी और मोदी के नाम पर और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के नाम पर वोट एकत्र करने की कोशिश करेगी। और जो सपा और रालोद का जो गठबंधन है उसमें मुझे लगता है कि ये सीट रालोद के पास ही जाने वाली है, क्योंकि बागपत क्षेत्र है, रालोद का क्षेत्र है, यहाँ पर उनके पास जाट मतदाता और किसान ये दो हैं उनके पास, तो ये इनको मिलाकर प्लस वो अपने प्रत्याशी की जाति का वोट लेने की कोशिश करेंगे। तो कुल मिलाकर किसान, जातिगत समीकरण और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, ये तीन चीजें ऐसी हैं जो मिलकर यहाँ पर रुख तय करेंगे कि अगला विधायक कौन होगा, किस पार्टी का होगा।